वन डिवाइड बाय जीरो, इसका आंसर क्या होगा? वन, जीरो, इन्फिनिटी या कुछ और? इससे पहले वन को जीरो से डिवाइड करें, उससे पहले डिवीजन क्या है इसे समझते हैं। 12 डिवाइड बाय 3, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 3 को कितने बार साथ में ऐड करें कि रिजल्ट में हमें 12 मिले। 3 + 3 + 3 + 3 इज इक्वल टू 12, 4 टाइम्स। इसका मतलब हमें 3 को 4 टाइम्स ऐड करना होगा टू गेट 12। 12 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 4। एक और एग्जांपल लेते हैं, 15 डिवाइड बाय 5। 5 को कितने बार साथ में ऐड करें कि रिजल्ट में हमें 15 मिले? आंसर इज 3, 5 + 5 + 5 + 5 इज इक्वल टू 15। 15 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 3। नाउ 0.1। अब इसका मतलब क्या हुआ? 1 को कितने बार साथ में ऐड करें कि रिजल्ट में हमें 0 मिले? आंसर इज सिंपली 0। हमें 1 को 0 टाइम्स ऐड करना होगा टू गेट 0। सिमिलरली 0 upon any number इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम कोई भी नंबर ले लें हमें उसको 0 टाइम्स ऐड करना होगा टू गेट 0। अब हम इसी 0.1 को उल्टा कर दे तो 1/0। अब इसका मतलब क्या हुआ? 0 को हम कितने बार साथ में ऐड करें कि रिजल्ट में हमें 1 मिले? इन्फिनिटी। पर लॉजिकली देखा जाए तो हम कितने बार भी 0 को साथ में ऐड कर लें हमें कभी भी रिजल्ट में 1 नहीं मिलने वाला, तो इसका आंसर इन्फिनिटी तो नहीं हो सकता। इसको कुछ अलग तरह से सॉल्व करना होगा। हमें पता है अगर हम किसी भी नंबर को जितने छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं रिजल्ट में हमें उतना ही बड़ा नंबर मिलता है। जैसे 1 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1, 1 डिवाइड बाय 0.1 इज इक्वल टू 10, 1 डिवाइड बाय 0.01 इज इक्वल टू 100, 1 डिवाइड बाय 0.001 इज इक्वल टू 1000, सिमिलरली 10,000, 1 lakh, 10 lakh, 1 crore एंड सो ऑन। जैसे जैसे ये नंबर 0 को अप्रोच करेगा हमारा रिजल्ट इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं जब ये नंबर एग्जैक्टली 0 के इक्वल होगा तो हमारा रिजल्ट इन्फिनिटी के इक्वल होगा। इसका मतलब 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। वेट अ मिनट, पर हम 0 को 2 डिफरेंट डायरेक्शन से अप्रोच कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट 1 से 0 और लेफ्ट टू राइट -1 से 0। अगर हम इसको लेफ्ट टू राइट -1 से 0 अप्रोच करें तो 1 डिवाइड बाय -1 इज इक्वल टू -1, 1 डिवाइड बाय -0.1 इज इक्वल टू -10, 1 डिवाइड बाय -0.01 इज इक्वल टू -100, 1 डिवाइड बाय -0.001 इज इक्वल टू -1000 और ऐसे ही -10,000, -1 lakh, -10 lakh, -1 crore एंड सो ऑन। यहाँ पर भी जैसे जैसे ये नंबर 0 को अप्रोच करेगा हमारा रिजल्ट -infinity को अप्रोच करेगा। तो हम यहाँ पर भी कह सकते हैं कि जब ये नंबर एग्जैक्टली 0 के इक्वल होगा तब हमारा रिजल्ट -infinity के इक्वल होगा। इसका मतलब 1/0 इज इक्वल टू -infinity। पर हमने ही अभी 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी प्रूव किया है। अगर हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हम यहाँ देख सकते हैं राइट टू लेफ्ट 0 को अप्रोच करने पर हमारा रिजल्ट +infinity को अप्रोच कर रहा है, और वही लेफ्ट टू राइट 0 को अप्रोच करने पर हमारा रिजल्ट -infinity को। एक ही क्वेश्चन के 2 डिफरेंट आंसर कैसे हो सकते हैं? इसीलिए 1/0 इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड इसलिए नहीं कि हम इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, अनडिफाइंड इसलिए क्योंकि ये अनडिफाइनेबल है। चलो एक बार के लिए हम मान भी लें कि +infinity और -infinity एक ही है जो एट द एंड नंबर लाइन में मीट कर जाते हैं, तो और दूसरे नंबर्स का क्या? 2/0, 3/0, 4/0। चलो एक बार के लिए 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी मान लें तो इसका मतलब 1 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी, 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1। अगर हम दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1। मैथमेटिक्स के एसोसिएटिव लॉ से 2 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2। पर हमें पता है 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, इसका मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2, विच गिव अस 2/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। पर हमने ही अभी 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 प्रूव किया, तो क्या इसका मतलब 1 इज इक्वल टू 2? पर हमें कहीं ना कहीं पता है 1, 2 के इक्वल कैसे हो सकता है, इसलिए ही 1/0 इज अनडिफाइंड। एक्चुअली एनी नंबर 1/0 इज अनडिफाइंड। जब हम 1/0 को लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं 0+0+0+0+0+ एंड सो ऑन, हमें आंसर ही नहीं मिलता। अगर कोई जुगाड़ लगाकर हम इसका आंसर निकाल भी लें तो दो दो आंसर आ रहे हैं, +infinity एंड -infinity। एक बार के लिए अगर हम +infinity और -infinity को एक ही कंसीडर कर लें तो और दूसरे नंबर्स का क्या?
2/0, 3/0, 4/0, अगर हम इनको भी इन्फिनिटी के इक्वल कर दे तो हम कहीं ना कहीं सभी नंबर को एक दूसरे के इक्वल कर देंगे, विच इज फंडामेंटली रॉन्ग। दैट्स वाई 1/0, एक्चुअली एनी नंबर अपॉन जीरो इज अनडिफाइंड, नॉट इन्फिनिटी, इट्स अनडिफाइंड। तो 0/0 का क्या, क्या ये भी अनडिफाइंड है? नहीं यार, 0/0 इसका मतलब क्या हुआ, जीरो को हम कितने बार साथ में ऐड करें कि रिजल्ट में हमें जीरो मिले। हम जीरो को जीरो टाइम्स ऐड कर सकते हैं टू गेट जीरो, हम जीरो को वन टाइम ऐड कर सकते हैं टू गेट जीरो, हम जीरो को टू टाइम्स भी ऐड कर सकते हैं टू गेट जीरो। असल में हम जीरो को जितने बार भी ऐड कर लें हमें रिजल्ट में हमेशा जीरो ही मिलेगा। इन मैथमेटिकल टर्म 0/0 इज इनडिटरमिनेट, हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। 0/0 जीरो भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, 9999 भी हो सकता है, लिटरली कुछ भी। सो 0/0 इज इनडिटरमिनेट, दिस विल श्योरली चेंज योर माइंड। फाइनली आज हमें इन सभी का आंसर मिल गया, 0/any number इज जीरो, एनी नंबर अपॉन जीरो इज अनडिफाइंड एंड 0/0 इज इनडिटरमिनेट। अगर आप जानना चाहते हो कि क्यों, आखिर क्यों हम इंसानों के लिए 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ तक काउंट करना इम्पॉसिबल है, तो उसके लिए लेफ्ट वाली वीडियो देखें और ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और सब्सक्राइब नहीं करना तो मत करो, घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता।